गुजरात में 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरा रहे हार्दिक पटेल का नया सियासी कार्ड भाजपा के लिए काफी मुफीद हो सकता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हार्दिक का कांग्रेस छोड़ना और भाजपा के मुद्दों के समर्थन में दिखना राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है। वह देर सवेर भाजपा में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनकी भाजपा नेताओं से पर्दे के पीछे मुलाकात होती रही है। मोदी और शाह का जलवा गुजरात से ही जाना जाता है। इस राज्य में जितनी बड़ी जीत होगी राजनीतिक स्थिति संदेश उतना ज्यादा बढ़ा जाएगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के दस्तक को देखते हुए भाजपा सतर्क है। आम आदमी पार्टी भी राज्य के पाटीदार समुदाय को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछली बार भाजपा ने सूरत को साध कर अपनी सरकार बरकरार रखी थी, वहीं सौराष्ट्र और खासकर राजकोट के पाटीदार समाज को पूरी तरह अपने साथ लाना चाहती है। गुजरात की राजधानी में पिछला 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीत भले ही लिया था, लेकिन जो टक्कर उसे मिली उससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित रहा। यही वजह है कि गुजरात में पार्टी ने कई बड़े बदलाव किए और विपक्ष की धार को लगातार कुंद करने की कोशिश होती रही। कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और अब उसके सामाजिक समीकरण को नुकसान पहुंचाने वाले हार्दिक पटेल का इस्तीफा इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार हार्दिक पटेल जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इसके संकेत उन्होंने अपने इस्तीफे में ही दे दिए हैं। इसमें वह उन मुद्दों पर कांग्रेस को घिरते दिखे जो भाजपा के मुद्दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।